हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को जो है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन जो है उसका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक रिसेंट मेरा कोर्स लॉन्च हुआ है जो कि आज और कल के लिए ही जो है वो आपका रहेगा, कुछ लो प्राइजेस के लिए केवल 51 रुपए का। तो आप लोग उस कोर्स को अवेल कर सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के माध्यम से। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे आपको एक 51 रुपीज का कोर्स है वो दिख जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हो। ऐप पे जाके भी आप सुनील कुमार सर्च करके मुझे आप वहाँ पे पा सकते हो। हर रोज़ क्लास होती है अनअकैडमी पे। फ्री क्लास लेने के लिए अनअकैडमी की स्टार आईक्यू कोड यूज़ कर लेना। स्कॉलरशिप टेस्ट फ्री में देना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, स्टार आईक्यू इनवाइट कोड यूज़ करना होगा। बस इतना सा काम है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में किस संस्थान द्वारा गन्ने की नई उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली किस्म CO15023 विकसित की गई है, तो इस संस्थान का नाम था सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। यानी कि इस सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट था। आज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग फार्मासिस्ट सेवा अधिनियम 1998 को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको जाना जाएगा हरियाणा स्वास्थ्य विभाग फार्मासिस्ट सेवा नियम 2021 के नाम से। यानी कि इस सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप सोचोगे ये ऑप्शन तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, कोई बात नहीं है, इस नियम का नाम 1998 से 2021 कर दिया, बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। हरियाणा में फार्मासिस्ट के पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता में समानता लाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग फार्मासिस्ट जो कि ग्रुप सी में आता है, 1998 वाला जो है आपका नियम, उसमें संशोधन कर दिया और वो 2021 उसका नाम हो गया है, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो उसमें योग्यता वगैरह जो चेंज कर दी गई है, जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके साथ साथ प्लस टू पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय रोहतक या हरियाणा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी फार्मेसी के अंदर अगर 4 साल की डिग्री या उसके अंदर स्नातक होती है या फार्मा डी 6 साल की डिग्री है, तो ये जो है ना ऐसी कुछ अभी फिलहाल के लिए शैक्षणिक योग्यता है उनको डिसाइड किया गया है हरियाणा के अंदर, या इस नियमों के अंदर बदलाव करके कुछ ऐसा किया गया है। चलिए जी, अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि हरियाणा सरकार ने गरीब महिलाओं का कितने रुपए का ब्याज माफ करने का निर्णय किया है। हरियाणा सरकार ने गरीब महिलाओं का 3.23 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने का निर्णय किया है। यानी कि बी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार 8557 गरीब महिलाओं का 3.23 करोड़ रुपए का बकाया ब्याज माफ करेगी। कर्ज की मूल राशि 4.31 करोड़ रुपए एक मुक्त भुगतान योजना के तहत जमा करवानी होगी, ठीक है, और इतना ब्याज जो है ना माफ करने वाली है सरकार। 100% बकाया ब्याज माफ करने के लिए एक मुफ्त भुगतान योजना को मंजूरी दी है। 1992 में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर्ज देता आ रहा है हरियाणा महिला विकास निगम, ठीक है, और इसके लिए गरीब व कमजोर वर्ग की 17,151 महिलाओं को 11,87,00,000 रुपए की राशि जो है ना मार्जिन मनी के तौर पे दी गई थी। इसमें 8,53,00,000 रुपए की राशि लाभार्थी जमा करवा दे चुके हैं अभी तक। हाल ही में कृषि विभाग में नियुक्ति की अधिकतम आयु कितनी रखी गई है। अगर कृषि विभाग की शैक्षणिक योग्यता में बदलाव है तो वो ये है कि 42 वर्ष। हरियाणा के अधीनस्थ कृषि विभाग जो ग्रुप सी आता है उसका सेवा अधिनियम 1993 और हरियाणा कृषि विभाग ग्रुप बी जो कि सेवा अधिनियम 1995 है, इन दोनों में संशोधन कर दिया और इनके अंदर जो है ना नियम 5 में 17 और 35 शब्दों का चिन्हों के साथ में 18 और 42 शब्दों को जो है ना चेंज कर दिया। मतलब पहले 17 और 35 थे जहाँ पे, अब 18 और 42 हो गए, मतलब 42 साल तक जो है ना कृषि विभाग के अंदर जा सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 कर दी और अधिकतम कर दी गई है कितने, 42।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के कितने जिलों में मातृ एवं शिशु अस्पताल ब्लॉक के निर्माण की मंजूरी दी है? मातृ एवं शिशु अस्पताल ब्लॉक को मंजूरी दी है अभी हाल ही में 6, यानी कि सवाल का बी ऑप्शन सही रहेगा। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं? पंचकुला है, सोनीपत है, पानीपत है, फरीदाबाद है और पलवल है। इन 5 ब्लॉकों की स्थापना प्रक्रिया के अंदर चल रही है, ठीक है ना, और के साथ में एक जो है ना वो मेडिकल कॉलेज नल्लड़ है, यहाँ पे भी है एक छठवां जहाँ पे ब्लॉक की स्थापना की जा रही है। तो ये याद कर लेना, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ही 6 जिलों में मातृ एवं शिशु अस्पताल ब्लॉक की स्थापना की गई है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। पंचकुला, सोनीपत, पानीपत, पलवल सिविल अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे ये, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा क्या रहता है जी, अच्छा है कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था साल 2005 में। हरियाणा के किस जिले की अनुष्का ने राज्य स्तरीय जूडो स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? अनुष्का रहने वाली है हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि सी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। और ये जो 13 साल की ही है अनुष्का, जो कि राज्य स्तरीय जूडो स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने राष्ट्रीय जूडो स्पर्धा के लिए। 7 से 9 नवंबर तक चंडीगढ़ के अंदर ये जो है आपकी प्रतियोगिता है ये होने वाली है, और इसके अंदर जो है ना इन्होंने अभी रिसेंटली चयन हुआ है, जब सिलेक्शन हुआ था सिलेक्शन के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है इतनी कम उम्र के अंदर। अगला सवाल, हरियाणा सरकार ने राज्य में खनन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? खनन संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है, इस योजना का नाम है वन टाइम सेटलमेंट योजना, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। विवादों का समाधान योजना के तहत ही खनन क्षेत्र में संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए हरियाणा राज्य की वन टाइम सेटलमेंट योजना की मंजूरी मिली है। हाल ही में हरियाणा में किस नीति को सर्जित करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है? हरियाणा में किस नीति को सर्जित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? तो ये नीति है कार्य मूल्यांकन मानदंड और स्टाफिंग नीति, यानी कि ए और बी ऑप्शन जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा, ठीक है ना। सभी सरकारी कार्यालय और सहायक और शाखा इनके काम का जो है ना एफिशिएंसी के साथ में कार्य का मूल्यांकन मानदंड जिसको कहते हैं स्टाफिंग नीति, भाई प्रॉपर ढंग से स्टाफ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, काम कर रहे तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, इसके लिए एक नीति को मंजूरी दी है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, डी वाला ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। क्वेश्चन क्या होगा कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस कर्मचारियों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? स्वास्थ्य योजना, पुलिस सुरक्षा योजना, पुलिस कंप्लेन योजना, पुलिस कंप्लेन योजना और हरियाणा पुलिस हेल्पलाइन योजना, बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। आप सभी को दीपावली के पावन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों।